हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। इट्स ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करने के लिए। प्लान तो था कि आज ही निकल जाएंगे आगे नॉर्दर्न साइड पे, लेकिन हमने कहा कि आज का दिन थोड़ा सा रुकते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस्लामाबाद को और फिर आराम से निकलते हैं। इतनी जल्दी क्या है इस्लामाबाद इतने अर्से बाद? मुझे नहीं पता था क्या चेंजेस आई हैं, मैं अपने दिल से पूछती हूँ, दिल खुश है बस, दैट्स ऑल। तब यही बात तो होती है, मतलब दिल खुश है तो सब खुश है। आई डोंट नो आप लोगों को अभी नज़र आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन हम उधर जा रहे हैं। वो जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो वहाँ पे, ऑल द वे उधर जा रहे हैं, मतलब इस्लामाबाद आए और पीर सहावा नहीं गए तो फिर क्यों आए इस्लामाबाद? जैसे तो सीट बेल्ट पहनना हर जगह ज़रूरी है, लेकिन जब आप इस्लामाबाद में तो क्योंकि कैपिटल है तो सख्ती साफ काफ़ी ज़्यादा है। वैसे भी आपकी अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट जो है वो पहननी चाहिए, तो सीट बेल्ट। कढ़ाई इधर भी है जबरदस्त जी। क्या तुम कितनी बार आई हो? पिज्जा हट में बहुत पिज्जा खाया। ये पार्क है ना, फातिमा जिन्ना पार्क। डिवॉटसन फार्मेसी, बबू यहाँ फार्मेसी डिवॉटसन सेलिब्रेट की जाती है, मतलब आइसक्रीम आइसक्रीम सब मिलती है। ये सामने अपने लोग जा रहे हैं। तो अब हमारा जो गैंग है वो 10 लोगों से बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो अब 2 गाड़ियों में तो सिस्टम पूरा होने वाला नहीं है, तो अब 3 गाड़ियों में जा रहे हैं। इसी तरह अगर ये काफिला चलता रहा तो आई डोंट नो इस जर्नी के, इस सीरीज़ के एंड तक कितनी कितनी गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, पर मज़ा आ रहा है। आगे क्या है, वो क्या है, वो क्या है? एक चीज़ जो है ना वो बहुत मज़े की है कि यहाँ की जो रोड्स हैं वो न्यूयॉर्क की रोड्स की तरह प्रॉपरली अलाइंड है, मतलब सिस्टमेटिकली उनकी स्ट्रीट्स बनाई हुई हैं। जैसे कि ये जो है अब 9th एवेन्यू, और जैसे वहाँ पे होता है कि नंबर वाइज एवेन्यूज़ होते हैं, वहाँ यहाँ पे भी उसी तरह का है। गुड, हमारे पास लाहौर में क्या होता है, हमीद लतीफ़ रोड और कौन सी रोड, नहीं वहाँ पे भी बुलेवार्ड और सब कुछ काफ़ी प्लान से आ रहा है, जो नई सोसाइटीज वगैरह बन रहे हैं वो काफ़ी प्लानिंग से बन रही हैं, लेकिन यार इस्लामाबाद की वाइब है। कौन कहते पाकिस्तान में बिजली नहीं है, देखो हमने दिन में भी लाइटें ऑन की हुई है, चेक करो। जहाँ तक मुझे याद है ये सारे बंदर वगैरह तो ऊपर होते थे दामने को और उससे ऊपर होते थे, अब नीचे आ गए, मतलब बंदरों को सेंस आ रही है कि हम लोग नीचे आके ज्यादा फायदा है। ओए 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 ओए, मोनाल खुला, मोनाल खुला है, खुल दिया, खुल दिया, खुल दिया। ला मंटाना ग्लोरिया जीन्स, एक हफ्ता ही शायद बंद हुआ था बस। यहाँ पे एट होम फील होता है, अब वो कुछ इसलिए भी होता है कि हम, मैं इधर पैदा हुआ था तो शुरू शुरू की ज़िंदगी कुछ जो वक्त था वो यहाँ पे गुजरा है, तो इसलिए ज़रा होमली फीलिंग आ रही है, वो खुशबू और वो सब कुछ बहुत मज़ा आ रहा है। डैम यार, मेरे पीछे जो व्यूज़ हैं जस्ट चेक करो यार, अब यहाँ पे आके होमली फीलिंग नहीं आएगी तो कहाँ आएगी यार, नेचर के इतना करीब, नेक्स्ट लेवल है यार। आपको कैसे पता चलता है आप राइट पाथ पे हो? जब आप कहीं आउट ऑफ नो वेयर एक जगह पे जाओ और आपको कुछ ऐसा साइन मिल जाए जिससे आपका दिल खुश हो जाए। अब एयरलाइन से तो मुझे प्लेन से कितनी ज़्यादा वो अटैचमेंट है वो तो पता ही है, अब देखो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ मतलब कितने और चांसेस है कि यार आप उसी जगह पे रुको जहाँ पे कोई कतर एयरवेज का कुछ चीज़ पड़ी हो, जस्ट इमेजिन यार। टेक्निकली व्लॉग यहाँ से शुरू होना चाहिए था, जस्ट लुक एट दैट, कौन सी ज़्यादा अच्छी आती है। हम तो पहाड़ी इलाकों होंगे, हमें तो कुछ भी नहीं होता। दिन में आए होते हैं ना आगे, बड़े ज़बरदस्त सीन आते हैं।
आई डोंट नो कैमरे में सीन नजर आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन वो जो है ना, ये है रावल लेक राइट देयर। कूड़ा वगैरह नहीं फेंकना चाहिए, इतनी खूबसूरत जगह है, उनको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने दें। अगर कोई चीज़ साथ लेकर आते हैं आप, तो उसको वापस भी उसी तरह ले जाएं। बिल्कुल सही बात है यार, जो अपना गन लेके आते हो ना, वो साथ लेके आओ। जैसे वो एयरपोर्ट वाले ब्लॉग में बोला था ना कि यार एटलीस्ट अपना कूड़ा तो साथ ले जाओ, यहाँ से भी साथ ले जाओ, जितनी साफ रखोगे उतनी ज़्यादा देर तक इस चीज़ को इन्जॉय कर सकोगे। ये चीज़ समझनी चाहिए। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। तो हम ऑफिशियली पठानों की टेरिटरी में एंटर हो चुके हैं। अभी शाहरुख ने बोला यार कोई चीता चूता ना आ जाए, मैंने कहा चीता तो ठीक है। ओ वाओ यार, पहाड़ों के बीचों बीच जबरदस्त किस्म का यार कैफे है। मुझे लगा कोई बच्चों का पार्क होगा या कुछ ऐसा सीन होगा, लेकिन डायनो वैली तो यहाँ पे प्रॉपर किस्म का रेस्टोरेंट है यार, कोई रिजॉर्ट टाइप सीन बनाया हुआ है यार। यहाँ पे हम आए हैं पीर साहबा की काफ़ी आगे करके, डायनो वैली करके ये जगह बनाई है इन्होंने। लुक एट दैट यार, हाउ कूल। अभी ट्रेन में ऊपर लेके जाएगी। हाउ अमेजिंग यार, मैं तो बच्चों वाला सीन है लेकिन मजे का है। प्रॉपर थीम पार्क उन्होंने बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पे स्टाफ उनके यूनिफॉर्म भी जुरासिक पार्क वाले, और यहाँ पे उतरते साथ ही जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं और वो सारा सीन चल रहा है। अच्छी फील है, मज़े का कुछ बनाया हुआ है यार। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं देखा, ऐसे ही करते रहना उसे। इस लेवल की चीज़ यहाँ पे बनाना, मतलब यार इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा थॉट गई होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टैंडर्ड की जगह लग रही है फिलहाल तो। अभी अंदर जाके देखते हैं और बाकी क्या सीन है। वाओ लुक एट दैट यार, इसका साइज चेक करो। लुक एट द साइज ऑफ दिस यार। पिक्चर लो मेरी, वो पिक्चर आईफोन इसके पास, कभी भी मर जाऊंगी। आ डर रही हो? हाँ। क्यों भाई, क्यों डरा है बीरा को? है बीरा डर रही है इससे, कहती है मैं इसके पास कभी भी नहीं जाऊंगी। यार बेसिकली यहाँ पे जो हम वॉक कर रहे हैं, ये ऐसे बनाया हुआ जैसे कोई डायनासोर का ढांचा, और हम उसके अंदर वॉक कर रहे हैं। उसके रिब्स की हड्डियाँ यहाँ पे नजर आ रही हैं। ओह माय गॉड, टी-रेक्स। यार यहाँ पे अच्छी वाइब्स है, मज़े की, मतलब पहाड़ के ऊपर वो फ्रेशनेस वाली फीलिंग भी, और यहाँ पे आके अच्छा पिक्चर पॉइंट भी है, मतलब आगे इंस्टाग्राम की गेम यहाँ से उठ सकती है। ये पिक्चर लेने के चक्कर में ना हम लोगों ने गाड़ी मिस कर दी है, अब मैं और शाहरुख यहाँ से हाइक यहाँ से चढ़ के जा रहे हैं। देखने में तो नहीं लग रहा लेकिन प्रॉपर किस्म की हाइक है यार यहाँ से, मतलब लेवल चेक करो। ये आपको शायद कैमरे में नहीं समझ आएगा, पर काफ़ी ज़ोर लग रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। मतलब जब आप ट्रेडमिल पर जाके 16-17 का इंक्लाइन कर लो, वो वाला सिस्टम है। ओए लेकिन यार चेक करो, डैम यार ये तो ज्यादती है यार, ये किस काम पे लगा दिए इनको बेचारों को, इसी वजह से ये लोग एक्सटिंक्ट हो गए थे। कह रहे मैंने कहा ये भी थोड़ी सी मेहनत कर ये भी थोड़ी सी मेहनत कर सही बात है यार। अक्सर रिजॉर्ट्स में क्या होता है कि यार वॉशरूम पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पे यार वॉशरूम का सीन भी जो है वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब अच्छे नीट वॉशरूम है, क्योंकि इतना सफ़र करके आओगे उसके बाद हल्का होने का तो फिर होगा ही सीन, तो वो सारा सीन भी सेट है। मतलब वॉशरूम्स जब इतना दूर आओगे तो भूख तो लगेगी, और जब भूख लगेगी तो लाइव किचन चल रहा है आपके सामने, मतलब सब कुछ आपके सामने कुक हो रहा है। और इसको बैठ के खाने की जगह वो यहाँ ऊपर, और यहाँ से व्यू जबरदस्त। और जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते उनके लिए डिसेबल लिफ्ट भी है, मतलब प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किया हुआ है। वीडियो बनाना
यार अब सीन ये है कि अब हम यहाँ पे आए हैं, निशी की बर्थडे है, कुछ कह लो कि 2 आवर्स के अंदर निशी की बर्थडे स्टार्ट होने वाली है। तो हम सब ने सोचा कि यार उसको यहाँ पे छोटा सा सरप्राइज़ दिया जाए। अभी उसको 0 आइडिया कि यहाँ पे हम किस लिए आए हैं, तो अभी हम उसका सरप्राइज़ वाला सारा सिस्टम अरेंज कर रहे हैं और बिल भी अलग से पे कर देंगे, ताकि जाते हुए प्लान ये कि जा रहे होंगे जब हम खाना खा के, तो वहाँ पे एक कॉर्नर है, बर्थडे कॉर्नर बना हुआ है, हम बोलेंगे कि यार किसी की बर्थडे चल रही है और वो निकलेगी निशी की बर्थडे, तो मज़ा आने वाला है। वैसे मैं जब से यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस नहीं चल रहा, अगर यहाँ पे चल के तो बड़ी बात होगी। अमेरिकन एक्सप्रेस नहीं चल रहा, बट बाकी सब चल रहा है, वीज़ा मास्टर। अच्छा जब हम वहाँ से गुजर रहे होंगे ना, इशारा करेंगे, उससे पहले नहीं करना। कौन होगा वहाँ पे जिसको इशारा करना है? अच्छा ये जो खड़े थे इधर सूट में देख रहे, वैसे भी बूबू को भी नहीं पता, बूबू बोल रही थी कि निशी की बर्थडे जो है उसको सरप्राइज करना है, पर वो भी सरप्राइज हो जाएगी, अभी सीक्रेट ही रखते हैं। यार ये सिस्टम सेट है इन लोगों का, मतलब गंदे भी ना हो, और मामा जैसे वैन करती हैं वो तो फिर खुश होंगे। इस्लामाबाद आओ तो ये डेफिनेटली ट्राई करना, डायनो वैली मोनाल से थोड़ा सा आगे जाके नेक्स्ट लेवल सीन है यार। जी मैं सूप पीने का जो मज़ा आ रहा है ना, वो भी हॉट एंड सॉर, मतलब वो मिर्चें फील ही नहीं हो रही हैं, और सर्दी से मतलब मज़े का सीन है। तो मज़े की चीज़ हमने ऑर्डर की है यहाँ पे, 1 मीटर लॉन्ग सीख कबाब, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है ऐसा, देखते हैं। कंधों पे उठा के लाएं कबाब को, थोड़ा सा ऊपर ही माहौल तो अब बनाए ना, कैंडल लाइट। मुझे कबाब अच्छा लगा था। अच्छा लेकिन सालन नहीं था। सालन नहीं अच्छा लगा, कबाब अच्छा था, पर मतलब एक एवरेज टेस्ट के मुताबिक खाना जो था वो अच्छा था। ऊपर से इन्वायरमेंट जो है वो आपके खाने को दुगना तिगना मज़ा दे देती है। सामने जा रही है और इसको कोई नहीं है। अच्छा, क्या होने वाला है? आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा। ओए ध्यान से, आपको कैसे लगा? वेरी नाइस। कैसे लगा? बहुत अच्छा। कैसे था? वेरी नाइस। कैसे था? वेरी नाइस। मैंने पूछा ही नहीं भी। यहाँ पे काफ़ी मज़े की इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं, और वहाँ पे एक्चुअली किसी की बर्थडे हो रही है। यहाँ पे जूम कर लें, अभी ट्राई की ना आ जाए। वही ना जाओ, ना जाओ उधर। मैंने ली तो है। तो यार किसी ने बुकिंग की होगी, आ जाओ ऐसे ही। यार बेइज्जती हो जाएंगे, आ जाओ ऐसी सीन ले लिया, आ जाओ। ऐसी किसी और की बर्थडे मेरी भी तो है। ओह पिक्चर ले रहे हैं सब, आ जाइए जल्दी से। भी यार किसी का है यार, किसी का है ये। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत मुश्किल होता है यार ऐसे में सरप्राइज रखना, लेकिन बस क्या मज़े का सीन रहा यार यहाँ पे। और अगर आपका चक्कर यहाँ पे लगता है तो डेफिनेटली इस जगह को मिस मत करना, मतलब फैमिली के साथ फ़न टाइम और फ़न डिनर और मज़े का सीन।
और बर्थडे भी सरप्राइज़ हो गया। अब थोड़ी सी शॉपिंग करनी है क्योंकि कल हम निकल रहे हैं कुछ नॉर्दर्न साइड पे, तो बस वहाँ निकलते हैं। यार प्लान तो सेंटोरस जाने का था लेकिन वो बंद हो चुका था, तो हम आउटफिटर्स आ गए। अब यहाँ पे वैरायटी देख के तो लगता है यार यूके में मिलता ही क्या है। बोबो हम लोग गांव से आए हैं, आई थिंक सो, है ना, कितनी वैरायटी है यार इधर। मतलब वहाँ पे यहाँ से जाते हैं कपड़े पाकिस्तान से, बट इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं एक्सपेक्ट की थी मैंने यार, है ना। यार हालत बहुत टाइट हो गई है, अभी बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी क्योंकि काफ़ी लंबा दिन था, लेकिन ये दिन कैसे एंड हो सकता है सोडे के बगैर। अब इस्लामाबाद आए, F10 आए और सोडा ना पिया तो फिर तो बात नहीं बनती है ना। अब सोडा तो पीना लाजमी है और यहाँ का सोडा मशहूर है, शाजी सोडा या बूम बूम सोडा, अभी वो डिसाइड कर रहे हैं। काफ़ी बदल गया इस्लामाबाद, जब यहाँ पर मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर शीशा के वो हर्ट्स वगैरह वो सब होते थे, लेकिन अब यहाँ पे जूस कॉर्नर, फूड और सोडा एंड कवाली चल रही है, लाइव कवाली। मतलब सीन यहाँ पे अच्छा है, इंजॉयबल है, और रात के इस टाइम तो कुछ भी नहीं खुला होता था सिवाय वो सोडा शॉप और वो सिगरेट शॉप के, पर अभी सब ओपन है। मतलब लाहौर का असर यहाँ भी आ रहा है। ओए होए होए, ये हुआ ना सही सोडा, कमाल है। वो जो लाहौर में पी रहे थे थोड़ा फीका था, ओरिजिनल सोडा यार, बचपन की मेमोरीज, जबरदस्त। तबीयत फ्रेश हो गई है, थकावट उतर गई है।